नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट पीटूपी लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में आज बताने वाला हूं। इसको क्राउड फंडिंग भी बोल सकते हैं। क्राउड फंडिंग के थ्रू लेंडिंग करने का आज का वीडियो है और इसमें किसको किसको फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। एक चीज और बता दूं कि एनबीएफसी की ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है और पीटूपी भी एक एनबीएफसी होता है। एनबीएफसी कंपनीज की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग तुरंत एनरोल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो हम ये देखने वाले कि पीटूपी लेंडिंग मतलब क्राउड फंडिंग के थ्रू जो लेंडिंग होता है, आरबीआई लाइसेंस वाली बात कर रहे हैं। बिना लाइसेंस वाला कोई भी पीयर टू पीयर अब नहीं हो सकता, जब से ये आरबीआई का पीटूपी का रूल्स आ चुका है, और ये काम कैसे करता है और फायदा किसको और कैसे पहुंचाता है, राइट। पीटूपी लेंडिंग एक ऑनलाइन लेंडिंग प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन एक दूसरे को लोन दिया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये क्राउड फंडिंग मॉडल है। इसका मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति, क्राउड का मतलब होता है कोई भी, भीड़ है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैसा लगा सकता है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको मिलेगा कि नहीं, ये अलग बात है। और जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और जिनको लोन चाहिए वो भी यहाँ पर 100% आ सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, ज्यादा रिटर्न चाहिए सबको अपने छोटे छोटे सेविंग्स का। अभी अगर हम लोग बैंक में जाएं तो बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और किसी भी समय बैंक का इंटरेस्ट रेट से ज्यादा अगर आपको कमाना है तो क्राउड फंडिंग मॉडल सबसे अच्छा रहता है, जिसमें पीयर टू पीयर इंडिया में पीटूपी लाइसेंस वाली कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं। बोरोवर्स जो लोन लेने वाले रहते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और ये ट्रेडिशनल बैंक लेंडिंग का एक अल्टरनेटिव है। बैंक के पास जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम है, सबको लोन मिलता नहीं, इसी कारण साहूकारी बिजनेस बहुत जोरों पे चलता है, चाहे वो लाइसेंस्ड हो चाहे अनलाइसेंस्ड हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइसेंस्ड साहूकारी बिजनेस मुश्किल से 5-10% होगा पूरे भारत में, और 90-95% अनलाइसेंस्ड है, और वो बहुत ज्यादा जुल्म कर डालते हैं। तो पीटूपी में आप डायरेक्टली जा सकते हो, बैंक में नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपका सिबिल खराब है कोई बात नहीं, आप पीटूपी पीयर टू पीयर लेंडिंग एक अलग से अल्टरनेटिव है जिसपे पास जाकर आप ये काम कर सकते हो, राइट। इंटरेक्शन किसके बीच में होने वाला है, जो पैसा देने वाला है और जो पैसा लेने वाला है, दोनों लोगों का इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म करवाती है मैक्सिमम टाइम पे, राइट, किसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। अब तीन टाइप के लोन होते हैं पीटूपी में मोटा मोटी। सबसे पहला बता दूं कि मोर पीटूपी लोन्स आर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, ज्यादा से ज्यादा लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, पर्सनल लोन्स के जैसे होते हैं, और सिक्योर्ड लोन भी यहां पर होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, वॉचेस हो गया, विंटेज कार हो गया, आर्ट वर्क्स हो गया, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, ये सब के अगेंस्ट में भी लोन होता है पीटूपी का। बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लोन है, स्पेशल लोन्स हैं, इसके लिए ज्यादा वर्किंग, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मली पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड जो रहता है वो ज्यादा काम करता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड लोन्स भी होते हैं, कमर्शियल और रियल एस्टेट से रिलेटेड लोन्स भी होते हैं, और सिक्योर्ड लोन भी यहां पर पॉसिबल है। तो पीटूपी ज्यादा पर्सनल लोन में काम करता है, और बाकी थर्ड कैटेगरी में ज्यादा काम करता है, जो कि स्टैंडर्ड लोन, कमर्शियल, रियल एस्टेट, पेडे लोन्स और सिक्योर्ड लोन, लेकिन कम काम करता है ज्वेलरी, वॉचेस, विंटेज कार, आर्ट वर्क्स, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, ये कम काम करता है। क्यों बोला, ऐसा बोलने के पीछे मेरा ये कारण है कि जो भी नया पीटूपी खोलना चाहता है उस चीज को ध्यान पे रख ले, जहां कम हो रहा है उसको करना ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप उसमें निश बनाते हो, उस पे स्पेशलाइजेशन बनाते हो, राइट। तो इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है, एक मॉडल रिवर्स ऑक्शन मॉडल, जिसमें लेंडर्स कंपीट करते हैं, बहुत सारे लेंडर्स होते हैं जो लोन देना चाहते हैं किसको, बोरोवर को, और सारे लोग अपना बिड करते हैं, प्राइस बताते हैं कि मैं इतने रेट में दे दूंगा। या तो आप ऐसे मॉडल पे बिड करके लोन का इंटरेस्ट तय कर सकता है कौन, लेंडर, और अगर उसको एक्सेप्ट करेगा कौन, बोरोवर, तब जाकर वो फिक्स होगा डील, ओके। लेकिन यहाँ पे लेंडर ही ऑफर देता है। दूसरा है इंटरमीडियरी कंपनी, इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो कई बार फिक्स करके बताता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा जो आप लगा रहे हो, और जो जिसको लोन चाहिए उसको बताता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल या आपके प्रोफाइल के अनुसार आपको इतने में दिया जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, लेंडर भी बिडिंग कर सकता है और इंटरमीडियरी मतलब जो प्लेटफॉर्म है पीटूपी प्लेटफॉर्म, वो भी अपना ऑफर या फिर अपना अपने पॉलिसी के अनुसार वो इंटरेस्ट रेट फिक्स करवा सकता है। पीटूपी काम कैसे करता है, सबसे पहले लेंडर डिसाइड करता है कि टाइम स्पैन क्या होगा, कितने पीरियड के लिए वो पैसा देना चाहता है। नॉर्मली फंड मैक्सिमम 5 साल तक के लिए कोई दे सकता है या टाइड अप रह सकता है, मिनिमम 1 साल तो रहता ही रहता है, क्योंकि 1-5 साल नॉर्मल पीरियड है। और कुछ कंपनी ऐसा भी अलाउ करते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म का कोई कमिटमेंट किया, उसके बीच में अगर आपको पैसा निकालना है तो पैसा निकालने का अलाउ करता है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि दूसरा बोरोवर आएगा तो उसके पैसे से आपके अमाउंट दिए जाएंगे और आपका लोन रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है,
कि आपको बहुत इंटरेस्ट का और इनकम का लॉस हो जाता है। तो कभी भी कोशिश करिएगा कि अगर आप पीटूपी लेंडिंग प्लेटफॉर्म में पैसे लगाएं तो अपने टेन्यूर से पहले ना निकालें, नहीं तो फिर उसमें पेनल्टी या कॉस्ट बढ़ेगा आपका, राइट। पीटूपी का ऑपरेशनल मॉडल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोवर रजिस्टर करते हैं पोर्टल में वेबसाइट के थ्रू, यस ओके ग्रेट। उसके बाद क्या होगा, प्लेटफॉर्म ड्यू डिलीजेंस करता है जो बोरोवर है, उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके बहुत सारे चीजों को देखता है, उसके सिबिल भी देखता है। लेकिन सिबिल क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको बता दूं, सिबिल के बेसिस पे लोन नहीं दिया जाता, लेकिन सिबिल ये बताता है कि आप सही तरीके से आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, और एक्सेप्टेबल बोरोवर का जो प्रोफाइल रहता है, जो बोरोवर का प्रोफाइल अच्छा है उसको एज ए प्रोस्पेक्ट माना जाता है और उसको तैयार रखा जाता है, ताकि कोई भी अगर लेंडर है तो बोरोवर को पैसा देने के लिए तैयार रहे। और मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, प्लेटफॉर्म मॉडरेट करता है इंटरेक्शन बोरोवर और लेंडर के बीच। इसका मतलब प्लेटफॉर्म मीडिएटर बनता है, बोरोवर लेंडर का इंटरेक्शन कराता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं हाँ मुझे देना है, हाँ मुझे लेना है। उस केस में क्या होता है कि डील हो जाती है और लोन प्रोवाइड किया जाता है। पीटूपी का रिवर्स ऑक्शन मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में बताता हूं। कुछ कंपनीज ऐसा करती है, इसमें जो लेंडर्स रहते हैं वो बिड करते हैं बोरोवर्स के लिए, अच्छा बोरोवर्स रहता है तो लोग क्या बोलते हैं, इसको लोन दे देते हैं, और दूसरा भी बोलता है मैं भी देना चाहता हूं। तो ज्यादा लोग जहां पर होते हैं तो बोलते हैं कि मैं एक्स परसेंटेज में देना चाहता हूं, दूसरा बोलता है मैं एक्स माइनस 1% में देना चाहता हूं। जो भी ऑफर्स रहेंगे उसमें जो बोरोवर रहेगा वो जिसमें क्लिक करेगा या फिर जिसको एग्री करेगा उसी को ओके माना जाएगा, अब वो डील होगी। अब कुछ पीटूपी प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्रेडिट का असेसमेंट करते हैं कि उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्रेडिबिलिटी कैसा है, दूसरा रिकवरी का सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ लोग करते हैं, अभी सारे लोग नहीं करते हैं। पीटूपी का डॉक्यूमेंट और चेकिंग किस तरीके से होता है, पीटूपी प्लेटफॉर्म जो रहता है ना वो बहुत सारे मेट्रिक्स और बहुत सारे चीजों को देखता है, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविटी भी आता है, क्रेडिट स्कोर भी आता है। सोशल मीडिया एक्टिविटी को बोरोवर से और लेंडर से लिंक करता है, ताकि वो इंटरेस्ट रेट को तय किया जा सके और स्केल बनाया जा सके कि वो ज्यादा रिस्की पर्सन होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो बोरोवर है अगर रिस्क कम है ऐसा लगता है तो फिर कम इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। प्रेजेंटली प्लेटफॉर्म हैज वेरी लो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म केवल प्लेटफॉर्म का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है बोरोवर और लेंडर के बीच में, इसीलिए प्लेटफॉर्म के ऊपर में कोई खास प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको पीटूपी कंपनी बनानी है आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मेहनत की बात तो है लेकिन अगर आप चाहें तो ये काम जबरदस्त है। तो एक बार फिर बता दूं, हमारा एनबीएफसी की ट्रेनिंग अभी तुरंत स्टार्ट होने वाली है, आप संपर्क कर सकते हैं और जीत सकते हैं अपने फाइनेंस बिजनेस में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ।